Hello friends, welcome in our channel. Now discuss about relation between hyperbolic function and a circular function. हमने previous video में देखा था what is hyperbolic function. Hyperbolic function होता क्या है? आज हम पढ़ेंगे relation between hyperbolic functions and a circular function. Circular function आप previous video में पढ़ चुके हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं. तो देखिए, we know that for all value of theta, for all theta लिख जाए, for all value of theta better है, ठीक है? We know that for all value of theta आपको पता है, sine theta किसके equal होता है हमारे पास e iota theta minus e minus iota theta upon में 2 iota. ये हमने previous lecture में इसका derivation भी देखा था. तो मैंने आपको बताया था sine से आप याद रख सकते हैं बीच में subtraction. अब आप क्या कीजिए, रिप्लेस थीटा बाय आइटा एक्स. हमने थीटा को रिप्लेस कर दिया आइटा एक्स. लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास आइटा स्क्वायर एक्स. आइटा स्क्वायर की वैल्यू हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा है क्या होती है, माइनस वन. तो हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, e माइनस है माइनस e की पावर x माइनस माइनस प्लस टू आइटा. अब हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर से माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, e की x माइनस e की माइनस x अपॉन में टू. आइटा से रैशनलाइजिंग कर देंगे, आइटा से क्या कर दोगे, रैशनलाइजिंग. तो आइटा स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, माइनस वन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा आइटा ई की एक्स माइनस ई की माइनस एक्स अपॉन में टू. तो हमारे पास क्या आ गया, साइन आइटा एक्स इक्वल्स टू आइटा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में टू, ये आ गया. और ये वैल्यू आपने पढ़ी थी किसकी होती है, साइन हाइपरबोलिक एक्स किसकी होती है, साइन हाइपरबोलिक एक्स. ओके, तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन, साइन आइटा एक्स इक्वल्स टू आइटा, ये किसकी होती है, साइन हाइपरबोलिक एक्स. इसी तरह से हम कोस का देखेंगे, देखिए कोस थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, e की आइटा थीटा प्लस e की माइनस आइटा थीटा अपॉन में टू. ओके, नाउ रिप्लेस या ये कह दो पुट थीटा इक्वल टू आइटा एक्स, या ये कह दो रिप्लेस कर दिया हमने थीटा को आइटा एक्स से. तो हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा, आइटा स्क्वायर एक्स माइनस एक्स प्लस ई की पावर एक्स. एडिशन में कॉम्यूटेटिव होती है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. और ये वैल्यू हमारे पास किसकी की होती है, कोस हाइपरबोलिक एक्स. तो हमारे पास क्या आ गया, कोस आइटा एक्स इक्वल्स टू कोस हाइपरबोलिक एक्स. साइन आइटा एक्स इक्वल्स टू क्या आया था, आइटा साइन हाइपरबोलिक एक्स. ओके, अब हमारे पास ये दो रिजल्ट आ गया, अब हम सभी को कर लिख लेंगे, सभी का बता देंगे, टैन का, कोट का, सीकेंट का, सभी का रिलेशन बता देंगे. देखिए आपको पता है टैन आइटा एक्स को आप क्या लिख दोगे, साइन आइटा एक्स अपॉन में कोस आइटा एक्स. साइन आइटा एक्स को आप क्या लिखते हो, आइटा साइन हाइपरबोलिक एक्स, कोस आइटा एक्स को कोस हाइपरबोलिक एक्स. तो ये हमारे पास क्या आ गया, आइटा टैन हाइपरबोलिक एक्स. तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास, टैन आइटा एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, आइटा टैन हाइपरबोलिक एक्स. इसी तरह से अब आप सीकेंट का देख लीजिए,
सीकेंट आई टैक्स को आप क्या लिख सकते हो, 1/cos आई टैक्स। कोस आई टैक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, कोस हाइपरबोलिक एक्स। इसी तरह से कोट का देखिए, कोट को क्या लिख सकते हो, कोस आई टैक्स अपॉन में साइन आई टैक्स। कोस आई टैक्स क्या होता है, कोस हाइपरबोलिक एक्स, ये क्या होता है आईटा साइन हाइपरबोलिक एक्स। आईटा से क्या कर देंगे रैशनलाइज, तो क्या होगा हमारे पास आईटा, ये तो क्या हो जाएगा हमारे पास कोस बाय साइन कोट अपॉन में क्या आ जाएगा आईटा स्क्वायर। आईटा से हमने क्या कर दिया रैशनलाइज, आईटा स्क्वायर क्या होता है माइनस वन, तो ये क्या आ जाएगा माइनस आईटा कोट हाइपरबोला एक्स। कोट आईटा एक्स किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, माइनस आईटा कोट हाइपरबोलिक एक्स। इसी तरह से कोसिकेंट का देख लीजिए, कोसिकेंट किसके इक्वल होगा, 1/sin आईटा एक्स। इसको हम क्या लिखते हैं आईटा साइन हाइपरबोले एक्स। तो आईटा से क्या कर दोगे रैशनलाइजिंग, आईटा कोण में आईटा स्क्वायर रूट देख लो देगा कोसिकेंट हाइपरबोले एक्स, आईटा स्क्वायर माइनस वन, तो ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास कोसिकेंट आईटा एक्स। कोट का हमारे पास क्या आया था, कोट कोट का तो लिख दिया, सीकेंट का इरेज करते हैं, सीकेंट का और देख लो एक बार दोबारा, ये किसके इक्वल होगा, 1/cos हाइपरबोलिक, तो मतलब सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स। हमने सारों सभी का क्या बता दिया, रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक एक्स एंड हाइपरबोलिक फंक्शन एंड सर्कुलर रेंज, बहुत इजी है, बस आप कोट और साइन का फाइंड कर लेंगे, उसके बाद सभी आसानी से निकल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स।